लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभिनेत्री पूजा भट्ट ने कहा, पापा चार चार दिन बाद शराब के नशे में धुत होकर घर आते थे फिर। रांची रिम्स प्रेक्षागृह में रविवार को मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट का टॉक शो हुआ, जिसमें अभिनेत्री पूजा भट्ट ने कहा कि मैंने अपने पापा को काफी करीब से देखा है, कैसे वे तीन तीन चार चार दिन बाद शराब के नशे में धुत होकर घर आते थे। घर पर उनके दोस्त बेल बजाते थे और माँ से उनका झगड़ा होता था, मैं भी काफी करीब रहती थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी के माता पिता शराबी हैं, तो उसके बच्चे उससे चार गुना अधिक अल्कोहलिक बन जाते हैं। मैंने हमेशा अपने भाई राहुल, बहन आलिया और शाहीन से कहा कि शराब एक बीमारी है। मैंने अपने ड्रंक फादर को हमेशा देखा है। महेश भट्ट अल्कोहलिक होने की बात कहते हैं, अब वे शराब नहीं लेते हैं, पर यह लत मुझे लग गई। दीपक वाइन वाले बेंगलुरु से मेरे लिए शैंपेन, रेड वाइन और स्कॉच भेजते थे, साथ में स्वाइप मशीन भी। उन्हें मालूम था कि मैं कैश नहीं देती, पर जब मैंने शराब छोड़ दी और एक दिन उसे शराब भेजने को कहा, तो उसने डरते हुए कहा कि मैडम आप यह किसके लिए मंगा रही हो। उसकी बातें मुझे चुभी और मैंने शराब को दुत्कार दिया। आगे पूजा ने कहा कि औरतें समाज में शराब का सेवन करती हैं, तो उन्हें अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि मनोरंजन और बॉलीवुड से जुड़ी शख्सियत अपने लिहाज से शराब का सेवन करते हैं।